तो आज हम खेलने जा रहे हैं वही जो रोज खेलते हैं, पबजी मोबाइल। अब मैंने सोचा था कि जॉर्ज बुल के कंटेनर्स में कूदेंगे, लेकिन They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. One eternity later. तो फाइनली एक युग के बाद हम उतर गए हैं वहां जहां हम बहुत ज्यादा सेफ नहीं हैं। क्या क्या सपने देखे थे जॉर्ज बुल के, इन घास फूस के चक्करों में रह गया। अब हम अपनी गड्डी डांसे लेकर यहाँ पे आ गए। मेरे को वैसे पता था कि बंदा कहाँ पर है और मैंने उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में। मैं टेक्स लूंगा 4x भी और कैंडिडेट साइड भी। वहाँ से हम निकल जाते हैं अपनी गड्डी डासी लेके वापस और पहुँच जाते हैं यहाँ। प्रो प्लेयर जैसा दिखने के लिए पहले मैंने थोड़ा सा नेड कर दिया, लेकिन मेरा नेड मेरी बात सुनता ही नहीं है, अलग ही भाग जाता है। अच्छा हुआ कि मैंने इस गैस कैन पे ज़्यादा फायर नहीं किया, नहीं तो मेरा गैस कैन बन जाता। यहाँ पे जो मैं हगा हूँ ना, इतना जिंदगी में कहीं नहीं हगा मैं। नीचे से एक बंदा आ रहा है और अब आप देखना कि मेरा टीममेट मुझसे भी ज़्यादा गंदा आगेगा। पता नहीं इस फाइट में चल क्या रहा है, ना एनिमी नॉक हो रहा है ना मेरा टीममेट। ये भी किल लिया मेरा। फिर हम निकल जाते हैं अपनी गड्डी डासिया लेके और एक बंदा सामने से फुल चौड़ में आ रहा था, वो भी बाइक पे। ये वाला शॉट तो मुझे भी नहीं समझ में आया, लेकिन बस हो गया। अब हमने अपनी गड्डी डासिया का सहारा लेना छोड़ दिया और इस भीड़ में निकल गए बंदूक की खोज में। अब ये चोमू कतई सारी मोहमाया से मुक्त होकर सिर्फ एक ही बंदे पे एम कर रहा था और वो भी बिना कवर के। बस भर दिया पीतल इसके खोपड़े में। और जिस बंदे पे वो चूमू एम कर रहा था उसके खोपड़े में मेरे टीममेट ने ओम का पीतल भर दिया। और हाँ, अगर पबजी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे टीममेट का चैनल चेकआउट कर लेना, पुण्य मिलेगा। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब मैं भी चलता हूँ, बहुत जरूरी काम है मुझे, पूरे दिन सोना है मुझे।